कैसे हैं आप सब? हम ठीक ठाक। और मैंने कहा काफी अरसा हो गया कि हाल चाल नहीं पूछा, तो वो पूछ भी लेते हैं और बता भी लेते हैं। और विप जी जो है वो वॉन्ट से में बैठ के खेल रही है और आवाजें निकाल रही है, तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी आता रहेगा। अच्छा जी, आज है डे 12 जो हम 30 डे हेल्दी लाइफ स्टाइल चैलेंज कर रहे हैं। उसमें इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रही हूँ, कैलोरी डेफिसिट खाना खा रही हूँ और अपनी कैलोरीज को कंट्रोल कर रही हूँ। आज मैंने बनाना है एल्फ्रेडो सॉस पास्ता, और उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लेके, मतलब जो चिकन ब्रूस्ट होता है उसके फिलेट्स, उनको काट लिए ताकि थोड़े पतले हो जाए, ठीक है ना। तो अब मैं इसको लगाऊंगी मैरिनेशन, और दूसरी तरफ मैं करूंगी, ये है जी हमारा एल्फ्रेडो पास्ता जिसको मैंने करना है बॉईल। इसमें आपको दो किस्म के नजर आ रहे होंगे, टू डिफरेंट कलर्स। इसमें जो है ना स्पिनाच है, मतलब के पालक, इसके बनाते हुए इसकी मेकिंग में इन्होंने पालक डाला है। यहाँ पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं और कैलोरीज भी। तो इसको हमने कर लेना है बॉईल, और इस पैकेट के हिसाब से इसको बॉईल होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो इसका काम हम बाद में करेंगे, पहले हम लगाएंगे मैरिनेशन ताकि चिकन को मैरिनेट होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो ऑप्सी, तो इस बाउल के अंदर ये फिलेट सारे मैंने देख कितने बारीक बारीक किए हैं ताकि अच्छे से अंदर से पके जी। तो अब इसके अंदर जाएंगे मसाला जार, जिसमें है नमक, काली मिर्च, और ये है जी साथ इसमें गार्लिक पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है, ठीक है। आपके पास अगर ओरिगैनो है तो आप वो भी डाल लें, मेरे पास नहीं है और मुझे पर्सनली इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लगता। और इसमें मैं अभी डाल दूंगी क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल, तो फिर मैं बाद में नहीं डालूंगी, 1 टेबलस्पून या फिर 2 टीस्पून। साथ में इसमें वही एक जो है एक टेबलस्पून इसमें चला जाएगा लेमन जूस का, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट का, लेकिन मैं टीस्पून यूज कर रही हूँ, इसे मैंने 2.5 डालने हैं। तो अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये मैरिनेशन इसको लग गई। जी पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया, तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाल दूंगी, और अब इसके अंदर जाएगा जी। तो मैं बता रही थी कि आज जो है वो डे 12 है, और डे 11 का जो वीडियो थी जिसमें मैंने सारी अपनी कैलोरीज वगैरह बताई हुई हैं वो नहीं लग सकी, आज लगनी थी क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। और ये जो पास्ता है ये आपको दिखने में डिफरेंट लग रहा होगा, लाइक थोड़ा बहुत पता नहीं कैमरे में लग रहा है कि नहीं, ये इससे डिफरेंट है क्योंकि ये मैदे से नहीं बल्कि सूजी से बना हुआ है, और इसको ब्रीफली 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो मैं अब इस पर फोकस करती हूँ जी। अब जो है हम अपना चिकन बनाने लगे हैं, और मैं इसके अंदर ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि इसकी मैरिनेशन में 1 टेबलस्पून ऑयल जा चुका है।
तो इसको हम मीडियम हाई मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और दूसरी तरफ हम अपनी बनाएंगे सॉस। सो ऑलमोस्ट 50% जो है हमारा चिकन डन है और इसकी अभी कुछ ऐसी सूरत हाल है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस क्योंकि मैं मैरिनेशन में डालना भूल गई थी, और इसको हम पीछे कर देते हैं और यहाँ पे अब हम बनाएंगे अपनी सॉस। सॉस के लिए मैं ये दो जो है लहसुन के जवे इनको चॉप कर लूंगी, ठीक है, और फिर बटर डाल के इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स के लिए सोते करूंगी। अच्छा जी, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए इसको सोते करना है, अभी मेरा पैन जो है वो गर्म नहीं हुआ, तो जब हो जाएगा उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए। और फिर इसके अंदर मैंने 30% फैट वाली जो है क्रीम ली है 200 ग्राम्स, ये जाएगी और दूध जाएगा। जी दूध और क्रीम जो है उसको ये देखें एक बॉईल आ गया, तो मैं अब इसके अंदर डालने लगी हूँ पास्ता क्योंकि सूजी से बना हुआ, और मैंने आज तक सूजी का बना हुआ पास्ता नहीं खाया, और इसके अंदर स्पिनाच भी है लाइक ट्यूपिश डॉइच, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा बनेगा, ये एक एक्सपेरिमेंट है लाइक आई डोंट नो। मैं भी थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़ा सा और जा सकता है। चिकन हमारी तैयार हो चुकी है, उसको अब मैं कट कर लूंगी। आई थिंक इतना काफी है। अच्छा इसमें 3 कलर्स हैं, या मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं, ये जो है वो बच के, तो इसका कुछ और भी करना पड़ेगा लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। इसके अंदर केसे जाएगा, मतलब के चीज, हमारा पास्ता जो है वो सिमर हो रहा है सॉस के अंदर, तो मैंने कहा कि इधर हम ये चिकन के पीसेस हैं उनको कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माय गॉड, डिलीशियस। बहुत ज़्यादा यम्मी चिकन बनाई है वाला, लाइक इसको मैं दोबारा बनाऊंगी, इसको आप अलग से भी खा सकते हैं विद सैलेड, सुपर डिलीशियस, और कितने थोड़े इंग्रेडिएंट्स के हैं, मज़े की बात तो ये है। पास्ता डिश आउट करने का टाइम आ गया, तो ये मैंने निकाला है और इसके ऊपर अब जाएगा चिकन।
फाइन कोट। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि इस तरह का हमारा पास्ता बना है और मैं पहली दफा खाने वाली हूँ। मैंने आपको पहले बताया सूजी और स्पिनाच मतलब पालक वाला पास्ता, लाइक वाओ। खैर आई थिंक मज़े का होगा, हमें न्यू चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, व्हाई नॉट। दोनों की जुमटा चिकन और ये जी मेरी प्लेट तैयार हुई है, जिसके अंदर मैंने 150 ग्राम सी पास्ता लिए और 150 ग्राम सी जो है वो चिकन लिए, ठीक है। और पहले मैंने कोशिश की थी कि इसके ऊपर रखूँ, लेकिन चिकन पूरा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने साइड पर रख दिया। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और